डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फिनॉल के बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोग फिनॉल में यहाँ तक के पढ़े थे कि फिनॉल का क्या गुण होता है, फिनॉल का क्या अणुसूत्र होता है ना। फेनोल कैसे बनता है, फेनोल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। इसलिए आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक्स कर रहे थे अभिक्रिया के बारे में, कि फेनोल का अभिक्रिया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को फेनोल एक तरफ फिक्स रहेगा और उसका अभिक्रिया अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग अणुओं के साथ, अलग अलग पदार्थों के साथ कराएंगे, और फिर हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग के साथ क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या प्रतिफल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है, चौथा का नंबर है, वो क्षार NaOH के साथ, क्षार के रूप में लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। ठीक है, NaOH के साथ, जब NaOH एक क्षार है, इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, एरो दिया जाए। लिखेंगे, जब फिनॉल समझते हैं ना, बेंजीन रिंग से OH समूह को जोड़ा जाता है, बेंजीन रिंग से OH समूह को जोड़ते हैं तो फिनॉल कहलाता है। लिखेंगे फर्स्ट एरो, जब फिनॉल को चार ब्रैकेट में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, क्षार ब्रैकेट में NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फिनोलेट का निर्माण होता है, फिनोलेट। अब ये फिनोलेट क्या होता है, देखिए इसमें अलग अलग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नाम मिलेगा। ये फिनोलेट का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन रिंग से अगर आप किसी भी कार्बन से ONa जोड़ देते हैं तब ये हो जाता है फिनोलेट। ठीक है, फिनोलेट, फिनोलेट का फार्मूला क्या, बेंजीन रिंग से ONa का जुड़ना, ऑक्सीजन और सोडियम एटम का जुड़ना फिनोलेट कहलाता है। फिनोलेट ब्रैकेट में ये फार्मूला लिख दीजिएगा, का निर्माण होता है, और उसके नीचे रिएक्शन, तो रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले बोला फिनॉल बना दिए, ये हम लोगों का फिनॉल है। ठीक है, और फिनॉल के साथ OH जुड़ा रहे, बेंजीन रिंग से साथ OH जुड़ा रहेगा तभी ना इसको फिनॉल कहते हैं, और इसको हम लोग NaOH जो कि एक क्षार है, अम्ल क्षार और लवण पड़े होंगे ना, जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा रहता है, क्षार कहलाता है। तो NaOH का भी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। तो इसके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग फिनोलेट का निर्माण होगा, और फिनोलेट का निर्माण में मतलब बेंजीन रिंग के साथ ONa का जुड़ना। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अगर ONa अगर जुड़ता है, और फिर बाद का क्या बाहर होता है, H2O। ठीक है, ये हो गया आपका फिनोलेट, और ये हो गया जल जो बाहर अवक्षेप के रूप में हम लोगों को देता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है। अब लिखा जाए नंबर बी में जस्ता के साथ, जस्ता को हम लोग बोलते हैं जिंक। ठीक है, जस्ता को क्या बोलते हैं, जिंक के साथ, अगर जिंक के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, जब फिनॉल को जस्ता के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, जब फिनॉल को जस्ता के साथ
अभिक्रिया कराया जाता है तो जस्ता मतलब जिंक, जेडन तो बेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन फार्मूला तो C6H6 जानते ही होंगे, और बेंजीन का C6H6 भी लिख सकते हैं। बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही होता है बेंजीन, ठीक है, इसलिए इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। तो दूसरा में क्या सीखे कि जस्ता के साथ अगर मान लिया कि फेनॉल है, फेनॉल मतलब बेंजीन रिंग के साथ OH, ये हो गया आपका फिनॉल। अगर जिंक के साथ कराते हैं तो हम लोगों को क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बनता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बना दिया, ये सिर्फ और सिर्फ बेंजीन हो गया, और जिंक ऑक्साइड बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ एच तो ऐसे ही रहता है ना, कार्बन के पास तो ऐसे ही सटा रहता है, जिंक ऑक्साइड हम लोगों को बाहर हो जाता है। और आपको लग रहा होगा कि सर फिनॉल को आपने जिंक के साथ अभिक्रिया कराया तो बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बना, तो सिर्फ आप बेंजीन ही क्यों बोलते हैं? तो जो प्रतिफल बनता है उस प्रतिफल में जो हम लोगों का मेन प्रोडक्ट होता है, यानी कि मेन प्रतिफल बनता है, वही हमारे काम लायक होता है, तो इसलिए उसको हम लोग तरजीह देते हैं, मतलब इसलिए उसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है, और हम लोग उसी को बोलते हैं कि बेंजीन बनता है। चलिए तो इस अभिक्रिया को नीचे लिख दीजिएगा, नाम अगर लिख दीजिएगा तो और अच्छा है, कि ये हम लोगों का फिनॉल है, ये जिंक है, ये बेंजीन है, ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए अब सी नंबर अभिक्रिया को करते हैं, अमोनिया के साथ। अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 के साथ, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया का फार्मूला NH3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या होगा। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, लिखेंगे जब फिनॉल को अमोनिया ब्रैकेट में NH3, अमोनिया ब्रैकेट में NH3 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। देखिए एनिलीन के बारे में आपको याद होना चाहिए, हम लोग पहले भी पढ़े हैं एनिलीन, एनिलीन का निर्माण होता है। अब ये एनिलीन क्या है, तो बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 जुड़ जाए ना, बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 जुड़ जाए, हम उसी का नाम दे देते हैं एनिलीन, ठीक है। तो क्या लिखें, जब फिनॉल को अमोनिया यानी कि NH3 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एनिलीन, एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ NH2, बेंजीन रिंग के साथ NH2, यह है एनिलीन का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए इसका नीचे अगर रिएक्शन का बात करें तो पहले फिनॉल है, तो फिनॉल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो बेंजीन रिंग के साथ, ये हम लोगों का बेंजीन रिंग हो गया OH, फिनॉल अमोनिया NH3, ठीक है। और हम लोगों को क्या बना बनता है, अगर फिनॉल और अमोनिया अभिक्रिया करते हैं, एनिलिन बनता है। एनिलीन का फार्मूला क्या, बेंजीन रिंग के साथ NH2, और बाहर क्या होगा, तो वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये अमोनिया के साथ कराने पे रिएक्शन बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सी नंबर अभिक्रिया था ना, चलिए अब हम लोग नंबर डी अभिक्रिया को करते हैं। डी नंबर अभिक्रिया, डी नंबर अभिक्रिया क्या है, तो फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फास्फोरस, पैरा डी में लिखेंगे फास्फोरस पेंटा हैलाइड, ठीक है, जिसको हम लोग फास्फोरस पेंटा हैलाइड, जिसको हम लोग पी, जिसको हम लोग
फास्फोरस पेंटाहेलाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PX5 के साथ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे फास्फोरस पेंटाहेलाइड। अब फास्फोरस पेंटाहेलाइड का मतलब क्या हुआ, PX5 के साथ। यानी कि हम अगर ये बोलना चाहें कि अगर फिनॉल को फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कराएंगे, जिसको हम लोग PX5 बोलते हैं, के साथ कराएंगे तो क्या क्या होगा, तो उसके नीचे लिखेंगे जब जब फिनॉल को फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हेलोबेंजीन का निर्माण होता है, हेलोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए सबसे पहले इसमें रूल समझते हैं। इसमें रूल्स ये बोला कि कोई भी फिनॉल है तो फिनॉल बना दिया यहाँ पे, बेंजीन रिंग से OH, कोई भी फिनॉल है अगर उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस पेंटाहेलाइड, जिसको हम लोग PX5 बोलते हैं, X की जगह पे क्या है, हैलोजन, X की जगह पे हैलोजन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हेलोबेंजीन बनता है। और हेलोबेंजीन का मतलब समझते होंगे आप कि बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन अगर जुड़ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोबेंजीन। और यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड बनता है और प्लस HX बनता है। अब देख पा रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो हम अब समझाना चाह रहे हैं, ये हम लोगों का फिनॉल, ठीक है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड, पेंटा मतलब फास्फोरस, पांच है तो पेंटा, हैलाइड का मतलब हैलोजन X, जिसके जगह पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रख सकते हैं। तो यहाँ से X जो है इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ गया, तो यहाँ हेलोबेंजीन, और यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सी ट्राई हैलाइड बनता है, हेलोजन का 3 परमाणु इसके साथ जुड़ता है, HX बाहर होता है। चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि फिनॉल है, ये हम लोगों का फिनॉल, इसके साथ हम लोग PCl5 का रिएक्शन करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अब ये Cl कितना है, 5 गो, तो यहाँ पे Cl देख पा रहे होते हैं, एक जुड़ गया, फिर फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनेगा। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे OH PCl5, यहाँ पे Cl एक जुड़ गया, POCl3 और HCl। इस तरीके से हम लोगों का इसका नाम हो गया हेलोबेंजीन बनता है ना, हेलोबेंजीन, तो यहाँ हो जाएगा हेलो की जगह पे क्लोरीन है, तो इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाता है फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, देख लीजिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, सेकेंड एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हेलो फिनॉल ही रहने वाला है, अगर फिनॉल को अगर हम लोग OH है ना, फिनॉल OH, लेकिन इस बार PCl5 नहीं, यानी यहाँ पे तो हेलोजन को भी रख सकते हैं, यहाँ पे PBr5 अगर रहेगा, फास्फोरस पेंटा ब्रोमाइड, तब हम लोग कैसा कैसा रिएक्शन करेंगे और क्या क्या बनेगा वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ करने पे कौन कौन सा रिएक्शन बनता है, और उसका हम लोग चाहे तो बहुत सारे इसके बेसिस पे एग्जांपल कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग
नाइट्रिक अम्ल के साथ। ये कितना नंबर था? डी नंबर ना, डी नंबर अभिक्रिया था। चलिए अब देखते हैं ई नंबर अभिक्रिया। इसमें नाइट्रिक अम्ल के साथ, या फिर इसी को बोलते हैं नाइट्रोकरण। ई में दिया जाए है तो नाइट्रोकरण, बताता ठीक है? तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे नाइट्रोकरण, नाइट्रोकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3, ठीक है? देख पा रहे होंगे नाइट्रोकरण है, नाइट्रोकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3। अब अगर नाइट्रोकरण कोई अभिक्रिया बोला कि नाइट्रोकरण करो या नाइट्रोकरण कीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कराना है जिसका फार्मूला होता है HNO3। तो लिखेंगे जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो को ओ नाइट्रो भी बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल तथा पैरा पी नाइट्रो फिनॉल का निर्माण होता है। आप पढ़े होंगे पहले कि ऑर्थो, मेटा और पारा बेंजीन रिंग के तीन अंग हैं, और यहाँ पे भी हम लोग वही सीख रहे हैं कि जब किसी भी फिनोल का नाइट्रोकरण किया जाए, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया जाए, जैसे HNO3 के साथ फार्मूला होता है, तो इस स्थिति में हम लोगों को जो नाइट्रो समूह है, नाइट्रो का मतलब होता है NO2, ठीक है? अब ये NO2 कहाँ कहाँ जुड़ेगा? तो ऑर्थो पे, और यही नाइट्रो पैरा पे भी जुड़ेगा, और फिनॉल तो रहेगा ही रहेगा, यानी फिनॉल रहने वाला ही है हम लोग को, लेकिन नाइट्रो यानी कि NO2 जो समूह है, ऑर्थो पे जुड़ेगा फिनॉल का और पैरा का। अब जो लोग नहीं जानते होंगे सीख जाइए ऑर्थो और मेटा पारा क्या होता है। तो यहाँ पे अगर कोई बेंजीन है, इस बेंजीन का इस वाले पार्ट से शुरू होता है ऑर्थो, जिसको ओ बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोला जाता है मेटा एम, और इस वाला पार्ट को बोला जाता है पैरा। फिर इस वाले पार्ट को देखिए तो इसके सामने है, इसको भी मेटा बोला जाता है, इस वाले पार्ट्स को भी बोला जाता है ऑर्थो, और ये हो गया पैरा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग ऑर्थो मेटा पारा किसको कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर कोई फेनॉल है तो उसका रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मान लिया फेनॉल है बेंजीन रिंग के साथ OH, बेंजीन रिंग के साथ OH, ठीक है? इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3 के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिलने वाला है, एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये, ठीक है? एक हम लोगों को ऑर्थो नाइट्रो, यानी कि इस बेंजीन रिंग से ऑर्थो पे जुट रहा होगा नाइट्रो NO2, ठीक है, प्लस H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ नाइट्रोफिनॉल। देखिए यही वाला होता है ना नाइट्रो, लेकिन फिनॉल तो रहेगा ही रहेगा, मतलब OH रहेगा ही रहेगा। यहाँ से फिर आप देख पा रहे होंगे OH रहेगा ही रहेगा, ठीक है, OH रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे अब की बार पैरा पे जुड़ेगा, यानी कि NO2 प्लस H2O, ठीक है? यानी कि इस तरीके से नाइट्रो जो है वो ऑर्थो पे जुड़ा, और नाइट्रो जो जो है वो पैरा पे जुड़ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका दो प्रतिफल बनता है, दो प्रोडक्ट बनता है,
एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ठीक है, फिर आइए हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट। इस बार हम लोग एफ नंबर अभिक्रिया देंगे, इसको नाम है हैलोजनीकरण। जैसे अभी था ना नाइट्रोकरण, तो इसका नाम है हैलोजनीकरण। इसका मतलब होता है हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ। ठीक है, हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर फेनोल को हैलोजन के साथ करेंगे तो क्या होगा, और हैलोजन का मतलब एक्स, और एक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अनस्टेटाइन। ठीक है, चलिए तो हैलोजनीकरण में हम लोग उसके नीचे लिखेंगे, जब फिनॉल को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब फिनॉल को हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ऑर्थो हेलोफिनॉल तथा पैरा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पी से भी सूचित कर सकते हैं, पैरा हेलोफिनॉल का निर्माण होता है। चलिए यहाँ पे भी कुछ पहले रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि हैलोजन है तो हैलोजन कहाँ कहाँ ऐड होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों का फिनॉल है। ठीक है, ये फिनॉल है, और इस फिनॉल को हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ। तो हैलोजन का कितना रूप होता है, दो रूप, X2। तो इसको हम लोग दो रूप इस तरीके से, पहला में फिनॉल के साथ, फेनोल के साथ ऑर्थो पे एक्स जुड़ेगा, और फेनोल के साथ ही ये हो गया फेनोल, लेकिन यहाँ पे पैरा पे एक्स जुड़ेगा और एच एक्स बाहर हो जाएगा, एच एक्स, और यहाँ पे भी एच एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को ऑर्थोफिनोल का मतलब क्या हुआ, ऑर्थोफिनोल का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ऑर्थो पे जुड़ेगा एक्स और एगो पैरा पे जुड़ेगा, और एच एक्स दोनों में बाहर हो जाएगा। देखते हैं जब एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर मान लिया कि यहाँ पे फेनॉल है मतलब OH, अगर X2 के साथ करेंगे, X2 का मतलब क्लोरीन का दो एटम, चाहे ब्रोमीन का दो एटम, अकेले नहीं रहता है हेलोजन, दो के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे हम Cl2 कराएं, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा देख लीजिए। तो एक बनेगा यहाँ पे फिनॉल से ऑर्थो पे जुटेगा Cl और बाहर हो जाएगा HCl। ठीक है, और फिर उसी तरीके से बेंजीन रिंग से OH, यानी कि ये तो फिनॉल है, और पैरा पे जुड़ेगा क्लोरीन और HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी भी फिनॉल को X2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को दो प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। इसको हम बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो फिनॉल, इसको बोलेंगे पैरा क्लोरो फिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो प्रोडक्ट बनता है। अगर यहाँ पे अलग बात है कि Cl2 के जगह पे Br2 भी ले सकते हैं, I2 भी ले सकते हैं, और भी कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इसका हम लोग एफ तरफ एफ तक के रिएक्शन को देखा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जी अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं रीमर टीमेन अभिक्रिया। आपको हम पहले बता चुके होंगे कि रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या है। तो रीमर टीमेन अभिक्रिया में दोस्तों क्या लिया जाता है? तो रीमर टीमेन अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फार्मूला याद होगा CHCl3, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अगर कराया जाए तब उसका नाम हो जाता है रीमर टीमेन अभिक्रिया। रीमर टीमेन अभिक्रिया किसके किसके साथ? CHCl3 और NaOH, रीमर टीमेन अभिक्रिया। तो रीमर टीमेन अभिक्रिया का मतलब हुआ CHCl3 प्लस NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग रीमर टीमेन अभिक्रिया कैसे कराते हैं और कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो रीमर टीमेन अभिक्रिया का मतलब क्या समझें कि फिनॉल के साथ CHCl3 और NaOH दोनों रहेगा। लिखा जाए इसमें फर्स्ट एरो, जब फिनॉल का रीमर टीमर अभिक्रिया कराया जाता है, रीमर टीमेन अभिक्रिया कराया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड, ध्यान रहे सैलिसिल एल्डिहाइड, देख लीजिए कैसे लिखेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? तो बेंजीन रिंग के साथ OH तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऑर्थो पे CHO जुड़ जाता है, यही हो जाएगा हम लोगों को सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड ब्रैकेट में फार्मूला का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता कैसे। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक फिनॉल है, फिनॉल है का मतलब ऐसे बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये हम लोगों का बेंजीन रिंग से OH जुड़ गया, दैट इज फिनॉल। और इसी के साथ दोस्तों रीमर टीमेन अभिक्रिया, तो रीमर टीमेन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब किसी अभिकारक में CHCl3 और NaOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है उसको हम लोग रीमर टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ कराना है? रीमर टीमेन का मतलब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कराते हैं तो हम लोगों को क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब कि बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ OH और यहाँ पे CHO, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाता है और H2O बाहर हो जाता है। तो ये हम लोगों को मूल रूप से अभिक्रिया हुआ, इसी को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड, फिनॉल के साथ ऑर्थो पे CHO जुड़ता है। ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग ये दोनों को संतुलित करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हम लोगों को समीकरण, संतुलित समीकरण बन जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोगों को पूरा अभिक्रिया पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, तो एक लास्ट है, चौथा में अभिक्रिया कर रहे थे, अब पांचवा में लिखेंगे उपयोग, ठीक है। उसके नीचे एरो देंगे, किसका उपयोग भाई? तो फेनॉल का, ठीक है। फेनॉल का कहाँ कहाँ उपयोग, याद रखिए हम लोग फेनॉल के गुण के बारे में पहले पढ़ लिया है। उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे फिनॉल के निम्नलिखित गुण हैं, फिनॉल के निम्नलिखित गुण हैं। पहला पहला गुण पहला इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ के लिए किया जाता है,
इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ के लिए किया जाता है। दूसरा, दूसरा इसका उपयोग फिनोल फथैलिन के रूप में भी किया जाता है। फिनोल फथैलिन लिखा हुआ है, फिनोल फथैलिन के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है। तीसरा में लिखिएगा इसका उपयोग किसका, मतलब फिनोल का, औषधि के निर्माण में किया जाता है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट उपयोग था फिनोल का। तो याद रखिएगा, फिनोल का पहला उपयोग कहाँ, तो विस्फोटक पदार्थ के रूप में, यानी कि बम विस्फोट करने में भी फिनोल की मात्रा होती है। और फिनोल फथैलिन का मतलब ये होता है कि वो घरों में मालों को रखती है ना, वो साड़ी में फिनोल की गोलियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको फिनोल फथैलिन बोला जाता है। उसमें फिनोल की ही मात्रा होती है, फिनोल जो साड़ी में रखा जाता है गोल गोल वाइट वाइट, ताकि उसमें कोई कीड़े न लगे, ख़राब नहीं हो कपड़ा, उसको बचाने के लिए। तो उसको लोग बोलते हैं फिनोल फथैलिन, उसका नाम क्या है, फिनोल फथैलिन। उसमें फिनोल का ही मात्रा होता है, जिसको फिनाइल की गोलियां भी अक्सर बोलते हैं घरों में, है ना। और तीसरा है कि हम लोग इसका और उपयोग औषधि के निर्माण में करते हैं, यानी कि दवाइयाँ के निर्माण में हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ये दूसरा चैप्टर था जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अल्कोहल फिनॉल और इथर। अल्कोहल फिनॉल इथर, ये तीन पार्ट्स हम लोग इसमें पढ़े। इस तरीके से ये दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ख़त्म हुआ। हम लोग अगले दिन, अगले क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि कार्बनिक रसायन का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। सबसे पहले इसकी पहचान देखें कि एल्डिहाइड किसको कहते हैं, कीटोन किसको कहते हैं। इसके रिलेटेड कुछ IUPAC नाम, अभिक्रिया, गुण, उपयोग, सभी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।